Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. In this video, I am going to continue my previous topic, that was quantity average. Okay? So, dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ब्रिज है. इस ब्रिज के लिए हमने पिछले लेक्चर में क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन को कैलकुलेट किया था. उसके बाद हमने क्वांटिटी ऑफ पीसीसी को कैलकुलेट किया था. आज जो हमारा लेक्चर है, हम इसी में क्वांटिटी ऑफ स्टोन मशीनरी को कैलकुलेट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो ब्रिज है, उस ब्रिज की जो एबटमेंट वॉल है, विंग वॉल है, और पियर है, उसकी जो मटेरियल है वो हमारे पास स्टोन मशीनरी है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम इन दो पियर्स के लिए क्वांटिटी ऑफ स्टोन मशीनरी को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं हम इस ब्रिज की ड्राइंग की तरफ, कि हमारे पास इस ब्रिज की ड्राइंग में क्या क्या है. ठीक है. क्योंकि ड्राइंग के बगैर हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को नहीं निकाल सकते. ठीक है. सो चलते हैं ड्राइंग की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इस ब्रिज के लिए ड्राइंग है. ड्राइंग में सबसे पहले अगर हम एबटमेंट वॉल, विंग वॉल और पियर्स की मटीरियल की बात करें, तो ये हमारे पास कोर्स रबल मशीनरी है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टॉपिक में हम इस पियर के लिए कोर्स रबल मशीनरी को फाइंड करेंगे, जो हमारे पास बिलो द बेड लेवल होगा. ठीक है. और कोर्स रबल मशीनरी को फाइंड करेंगे अबव द बेड लेवल. ठीक है. ये हमारे पास बेड लेवल है, इसकी नीचे जो है हमने क्वांटिटी ऑफ कोर्स रबल मशीनरी को फाइंड करना है, और इसकी ऊपर जो है हमने कोर्स रबल मशीनरी को फाइंड करना है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं हम इसी पियर्स की क्रॉस सेक्शन की तरफ. तो ये हमारे पास इस पियर के लिए क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन में अगर आप देख सकते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने इस पीसीसी की क्वांटिटी को कैलकुलेट किया था. ठीक है. आज जो है हम इस पियर के लिए जो स्प्रेड फुटिंग रखी गई है, ठीक है, उसकी जो डिफरेंट लेयर है उसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है, जिसकी वेथ 6 फीट है और हाइट जो है 8 इंचज़ है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास 5 फीट और इसकी जो हाइट जो है 8 इंचज़ है. उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लेयर है, उसकी वेथ हमारे पास 4 फीट है और इसकी हाइट हमारे पास 1 फीट है. और उसके बाद हमारे पास फियर जो है वो स्टार्ट हुई है. ठीक है. और फियर की जो विड्थ है वो हमारे पास 3 फीट है, और फियर के लिए जो हाइट है वो हमारे पास 13 फीट है. नाव याद रखिए कि हमारे पास जो है टोटल 2 फियर्स है. तो हम सबसे पहले एक ही फियर के लिए क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इस दोनों फियर के लिए क्वांटिटी आ जाएंगी. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस फियर की प्लान में आए, तो प्लान में यहाँ पर आपको शो किया गया है कि जो डिफरेंट लेयर है, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है जिसकी विड्थ हमारे पास 6 फीट है, उसके बाद 5 फीट, 4 फीट, और उसके बाद जो है हमारे पास फियर जो है स्टार्ट हुई है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, अगर हमने इसके लिए लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी फियर की प्लान को 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो हमारे पास एक पोर्शन रेक्टेंगुलर हो जाएगा, और दूसरा जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कुलर ये हो जाएगा और एक सेमी सर्कुलर ये हो जाएगा. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट लेयर है, ठीक है, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट एंड 6 फीट. ठीक है. तो उसके लिए जो है हम लेंथ क्या कंसिडर करेंगे, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन वाला लेंथ कंसिडर करेंगे, जो हमारे पास 20 फीट है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, ठीक है, उसके लिए लेंथ हम लेंगे 20 फीट. ओके. और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 6 फीट है. ठीक है. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये हमारे पास क्या है, 6 फीट है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 6 फीट है. ठीक है. और ये इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 8 इंचज़ है. तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो हम लेंगे 6 फीट. ओके. उसके बाद जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 इंचज़ है. यहाँ पर अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है फीट में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 पे. ठीक है. तो उससे हमारे पास आ जाएगा 0.666. ओके. तो ये हमारे पास इसके लिए हाइट आ गई. अब जो है हमारे पास जो दूसरा लेयर है, जिसकी विड्थ हमारे पास 5 फीट है और जिसकी हाइट जो है हमारे पास क्या है, 8 इंचज़ है. तो उसके लिए भी लेंथ जो है हम क्या कंसिडर करेंगे, हम 20 ही कंसिडर करेंगे. ठीक है.
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 5 फीट है और हाइट जो है उसकी 0.66। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों लेयरों के लिए लेंथ, वेट और हाइट को ले लिया, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्ड लेयर है उसके लिए भी लेंथ हमारे पास 20 फीट रहेंगी और हमारे पास जो विड्थ है वो हमारे पास यहाँ पर 4 फीट है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर 1 फीट है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 20 फीट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास 4 फीट है और इसके लिए हाइट जो है वो 1 फीट है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1। ओके, अब जो है यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर पोर्शन यहाँ से रहता है और एक सेमी सर्कुलर पोर्शन यहाँ से रहता है, ठीक है। सो नाउ अगर हम इन दोनों सेमी सर्कल को ऐड करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है उसके लिए हमारे पास डायमीटर क्या होगा, 6 फीट होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फार्मूला है कि 5/4 × d², ठीक है, उसके लिए अगर हम इसकी एरिया को फाइंड करें, ठीक है, और इसके बाद हम इसी को इसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसी लेयर की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट लेयर की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट लेयर के लिए जो मेरे पास डायमीटर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 6 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 5/4 × d² कर दूँ, डी की जगह यहाँ पर 6 फुट करूँ, तो इससे मेरे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 28.27 आ जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, जिसकी डायमीटर मैंने कंसिडर किया 6 फीट, ठीक है, ये इसके लिए एरिया आ गया, ठीक है। और इसके लिए जो हाइट है मेरे पास वो मेरे पास क्या है, 8 इंचेस है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइट ले लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है 0.66। ओके, तो हम हमने क्या करना है, इसी एरिया को इस थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो क्या है सर्कुलर पोर्शन है उसके लिए भी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा लेयर है उसके लिए जो विड्थ है या डायमीटर है वो मैं क्या कंसिडर करूँगा, 5 कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास जो 5 डायमीटर पे एरिया है उससे हमारे पास आ जाएगा 19.36। ओके, और इसके लिए भी जो हाइट है वो मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि 8 इंचेस है तो इसको भी 12 का डिवाइड करूँगा, तो इससे भी हमारे पास आ जाएगा 0.66। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेयर के लिए क्या किया, टोटल एरिया को कैलकुलेट किया, फिर जो है उसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। फिर जो है हमने सेकंड लेयर के लिए भी ये प्रोसीजर रिपीट किया, हमने जो थर्ड लेयर है हमारे पास उसके लिए डायमीटर जो है हमारे पास 4 फीट है, तो अगर मैं 5/4 × d² के लिए डी यहाँ पर 4 फीट कंसिडर करूँ, तो उससे मेरे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 12.56। ओके, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 12.56। ओके, और इसके लिए जो हाइट है वो मैं क्या लूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर इस थर्ड लेयर के लिए हाइट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 फीट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लूँगा 1 फीट। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास इस बेड लेवल की नीचे जो पोर्शन है उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन की, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इस स्फीयर के लिए क्वांटिटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्फीयर की प्लान में देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमारे पास जो लास्ट स्टेप है जिसको हम स्फीयर कहते हैं, इसके लिए वेट हमारे पास 3 फीट है। इसके लिए भी हम वही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे कि सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए क्वांटिटी को फाइंड करेंगे और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक सेमी सर्कल ये लेना है, एक सेमी सर्कल ये लेना है, उसकी डायमीटर ये लेना है, एरिया की इसकी एरिया को फाइंड करना है और इसकी एरिया को थिकनेस के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो कोर्स रबल मशीनरी है अबाउट द विड लेवल, उसके लिए अगर हमने लेंथ को लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए मैं लेंथ जो है 20 फीट लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 20 फीट। ओके, ये मेरे पास 20 फीट इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है उसके लिए जो विड्थ है वो मेरे पास क्या है, 3 फीट है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 फीट। ओके, और इसके लिए जो हाइट है फियर की, जो हाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 13 फीट है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 13 फीट। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने स्फीयर की जो सर्कुलर पोर्शन है उसके लिए भी क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो सेमी सर्कल है, अगर मैं इसी प्रोसीजर को रिपीट करूँ कि एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये,
ये इन दोनों को ऐड करूँ तो इससे मेरे पास एक सर्कल बन जाता है जिसकी डायमीटर 3 फीट है। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए जो डायमीटर है 3 कंसिडर करूँ, ठीक है 3 फीट। ओके, और इसी फार्मूले में, ठीक है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर में ये फुट करूँ तो इससे मेरे पास जो एरिया है ये आ जाएगा यहाँ पर 7.06। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्फीयर की जो सर्कुलर पोर्शन है इसके लिए मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इससे मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर पोर्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल फेयर्स है, ठीक है, वो 2 है, तो यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट लेयर है वो भी 2 होंगी। ठीक है, सेकंड लेयर है ये भी 2 होंगी, यहाँ पर मैं ये जो है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मेरे पास जो फेयर है वो 2 है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 2 लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है इजीली क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसी को यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालूँगा। ठीक है, अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो यहाँ पर जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट लेयर है वो आ जाएगी। ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आ गई 160। ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन तीनों स्टेप्स के लिए ये रिपीट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है इसको ड्रैग करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इन तीनों स्टेप के लिए ये करना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन था बिलो द बेड लेवल, ठीक है, उसके लिए मेरे पास क्वांटिटी ये आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक इसी सर्कल की क्वांटिटी को निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इस सर्कल के लिए जो क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी, अगर हम एरिया को इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी फर्स्ट लेयर की, इसी तरह सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के लिए हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर इसको इक्वल का साइन डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन डाला, टोटल नंबर हमारे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, एरिया के साथ और एरिया को फिर मल्टीप्लाई करूंगा इसकी हाइट के साथ। ठीक है, सो इससे हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है इसी थर्ड के लिए सेकंड और थर्ड के लिए भी ये प्रोसीजर रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको करूँगा तो इससे हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो बिलो द बेड लेवल हमारे पास जितनी क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है, ये अगर मैं इन टोटल को ऐड करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी आ जाएगी। अगर मैं इसकी इसको ऐड करना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालूँगा और इसको क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है, इसके साथ और इसको ऐड करूँगा इसके साथ, इसको भी ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा। ठीक है, और इसको भी ऐड करूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 540 क्यूबिक फीट इसकी क्वांटिटी आ गई। अब जो है मैंने कोर्स रबल मशीनरी को अबव द बेड लेवल को अगर फाइंड करना है तो मैंने इसको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन डालूँ, इसी 2 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ इसी 20 के साथ, 20 को मल्टीप्लाई करूँ इस 3 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करूँ इसी 13 के साथ, तो इससे मेरे पास टोटल क्वान्टिटी आ जाएगी ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल क्वान्टिटी आ गई। अब अगर हम मैंने यहाँ पर अगर आप देख सकते है तो फियर के लिए जो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास सर्कुलर पोर्शन है इसकी क्वांटिटी को अगर मैंने फाइंड करना है, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन डालूंगा, यहां पर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा टोटल एरिया के साथ और एरिया को फिर मल्टीप्लाई करूंगा इसकी लेंथ के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी है वो आ जाएगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, ये आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास कोर्स रबल मशीनरी है अबाउट द बेड लेवल अगर हमने उसको ऐड करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन डालूंगा और इसी क्वांटिटी को ऐड करूँगा इसके साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इन दोनों को भी ऐड करना है तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास जो है टोटल क्वांटिटी है वो कितनी आ जाएगी, इक्वल का साइन डालूंगा, इनको भी ऐड करूंगा
इसी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसे मेरे पास जो है टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई, ठीक है, ऑफ द कोर्स रबल मशीनरी अबव एंड बिलो द बेड लेवल, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो याद रखिए कि हमने सारे कैलकुलेशन जो है वो हमने फीट में की है, तो याद रखिए इसका यूनिट जो है हमारे पास CFT में होगा, ठीक है। इसके लिए भी यूनिट CFT में, और इसके लिए भी हमारे पास यूनिट CFT में, और इसके लिए भी हमारे पास यूनिट है वो CFT में होगी, ठीक है। सो क्या हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ड्रैग करेंगे और इसको भी इसके साथ ड्रैग करेंगे, ठीक है, और इसको भी इसके साथ ड्रैग करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीख चुके होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बटमेंट वॉल और विंग वॉल के लिए टोटल क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।